राखी पर ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, ये एलिगेशंस जो राखी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो शर्लिन के द्वारा लगाए जा रहे हो, चाहे वो आदिल के द्वारा लगाए जा रहे हो, राशि के द्वारा लगाए जा रहे हो, ईरानी लड़की को 3 लाख रुपए दिए सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए कंट्रोवर्सी है। और आदिल खान दुरानी को कौन जानता है, आप बताइए। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है और वो पूछता है तो आदिल खान दुरानी को राखी के हस्बैंड के नाम से लोग जानते हैं, ना कि डायरेक्ट आदिल खान दुरानी को जानते हैं। मैं आदिल से मिला अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले लीला होटल में हूँ। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो अपने नई आर्टिस्ट का प्रमोशन करती हैं, पीछे साइड में आप अपना वो लगाती हैं पूरा होर्डिंग स्पैन। तो राजश्री तब कहाँ थी जब राखी के साथ ये सारी चीजें हुई, राखी ने ये सारी चीजें करी उनके साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, राखी को जब मैंने रोते हुए देखा रात में 12:30 बजे, वो लड़की मुझे रोकर वॉइस नोट भेज रही है, मुझे बर्बाद सबा करना चाहते खुदा के होते हुए, मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ राहुल परियार हैं, जो कि राखी सावंत के दोस्त हैं, जो कि राखी सावंत को बहुत अच्छे से जानते हैं, और प्लस कहीं ना कहीं राखी जी के साथ ये प्रोफेशनल टर्म्स भी शेयर करते हैं। सर, स्वागत है चैनल दिल्ली खजाना में। सबसे पहला, सबसे मेजर क्वेश्चन यही मैं पूछना चाहता हूँ कि राखी पर ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, आदिल आरोप लगा रहे हैं, प्लस शर्लिन कूद पड़ी है इसमें, राशि जो उनकी अच्छी दोस्त होती थी वो भी अब कूद पड़ी है, और नीलाज का बैनर के साथ वो इंटरव्यू दे रही है, क्या कहना है आपको इस चक्रव्यूह के बारे में? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राखी सीम्स वेरी नाइस पर्सन, राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जिस तरीके पे ये एलिगेशंस जो राखी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो शर्लिन के द्वारा लगाए जा रहे हो, चाहे वो आदिल के द्वारा लगाए जा रहे हो, राशि के द्वारा लगाए जा रहे हो, ये सारे एलिगेशंस मेरे हिसाब से बाहियात हैं और इनका कोई लॉजिक नहीं है। आप एक चीज देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने, चाहे आप राश्री को ले लो, राश्री अपने नेल्स आर्ट का प्रमोशन करती है पीछे से जाकर, ये पब्लिक सिटी स्टंट है, और ये जो चीजें स्टार्ट हुई है ना, सिर्फ ये बिग बॉस के लिए स्टार्ट हुई है, क्योंकि उनको बिग बॉस के लिए जाना है और ये कॉन्ट्रोवर्सी पूरी क्रिएट की जा रही है इस तरह की। जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, राखी को मैं पर्सनली 3.5 साल से जानता हूं, राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सी इज वेरी नाइस पर्सन। सो जितना मैं उनको जानता हूं, मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि राखी बिल्कुल गलत है, और ये सारे एलिगेशन सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे लगता है इतनी गंदी राजनीति सिर्फ एक शो में जाने के लिए आदिल के द्वारा की जा रही है, राश्री के द्वारा की जा रही है और शर्लिन के द्वारा की जा रही है, तो वो बहुत गलत चीज है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिल कहते हैं कि उनके पास प्रूफ है कि वो राखी सावंत को 9 लाख पर मंथ देते थे, सैलरी देते थे, और राखी सावंत ने कहा है कि मेरे 1.5 करोड़ रुपए जो है वो हड़प गया है आदिल। आपको इस बारे में क्या पता है बात? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आदिल तो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आदिल तो ये भी बोल रहे हैं कि राखी के पास पैसे नहीं होते थे रिचार्ज के लिए, राखी गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसे हमसे मांगा करती थी, राश्री भी वही सेम चीज बोल रही है। तो एक चीज है सबसे बड़ी, आप लोग खुद उनको कवर करते हैं, एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि उनके पास प्रूफ्स भी हैं और उन प्रूफ्स पे कोई लॉजिक भी नहीं है। वो जब ये प्रूफ दिखाते हैं कि राखी सावंत पैसे लेती हैं, उनके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आदिल ये भी एलिगेशन राखी के ऊपर लगाते हैं कि राखी ने ईरानी लड़की को 3 लाख रुपए दिए। अब या तो आप ये मान लीजिए कि राखी के पास पैसे नहीं है, या तो राखी के पास पैसे हैं तो राखी ने ईरानी लड़की को 3 लाख रुपए दिए। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि राखी के ऊपर जो एलिगेशंस जिस तरीके के लगाए जा रहे हैं, उसका मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूंगा, ये सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए कंट्रोवर्सी है, और ये लोग पूरी तरीके से इसमें मिलकर झुंड बनाकर, चाहे वो शर्लिन चोपड़ा हो, राश्री हो या फिर आदिल, ये सब मिलकर उसको प्री प्लान करके सारी चीजों को कर रहे हैं आज। राहुल जी, शर्लिन चोपड़ा ने अभी रिसेंटली राखी सावंत के साथ सेटलमेंट कर ली थी बातें, उनकी थोड़ी सी वो जो राखी सावंत की कंट्रोवर्सी हुई थी, राखी सावंत ने उनकी वीडियो दिखा दी थी मीडिया में, उस बात को लेकर उन्होंने सेटलमेंट कर दी थी, लेकिन अब अचानक से वो आदिल की तरफ से बोल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही हैं, क्या लगता है, क्या ये सिर्फ बिग बॉस ही है या फिर राखी सावंत के नाम से पब्लिसिटी पाना इनका एक इरादा है? मैं आपको राहुल जी वही चीज बताना चाहूंगा, राखी सावंत ब्रांड है, राखी सावंत को लोगों ने नहीं बनाया, वो लड़की जो है वो मेहनत करके स्ट्रगल करके यहां तक पहुंची है। और आदिल खान दुरानी को कौन जानता है, आप बताइए। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है और वो पूछता है तो आदिल खान दुरानी को राखी के हस्बैंड के नाम से लोग जानते हैं, ना कि डायरेक्ट आदिल खान दुरानी को जानते हैं। मैं आदिल से मिला अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले लीला होटल में हूँ, मेरे साथ थे, 2-4 मिनट मेरी उनके साथ बातचीत भी हुई, और हालांकि मुझे नहीं पता कि शायद वो जेल से उस वक्त बाहर आए थे। तो आदिल खान दुरानी का यही कहना था कि मैं राखी को एक्सपोज करूंगा, राखी के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ बिग बॉस के लिए उन्होंने किया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया।
और एलिगेशंस की जहां तक राहुल जी मैं आपको बात बताऊं कि शर्लिन चोपड़ा तो देखिए पहले से ही एलिगेशंस लगा रही थी, उनके ऊपर केस उन्होंने दर्ज करवाया था, उसके बाद में फिर वो उनके साथ हो गई थी, फिर वो अलग हो गई। राजश्री आज जो भी है राखी की वजह से है, आदिल आज जो भी है राखी की वजह से ही है, राखी ने उनको यहां तक पहुंचाया। एक वो चीज कहते हैं ना कि इंसान फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, तो राखी सावंत ने आदिल खान दुरानी को, राजश्री को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और ये लोग शायद ये भूल गए कि राखी सावंत को आज ये लोग बदनाम कर रहे हैं, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ छोटे से शो के लिए, बिग बॉस के लिए इतनी गंदी राजनीति, एक शो में जाने के लिए उस लड़की की रेपुटेशन ये लोग खराब कर रहे हैं जिस लड़की ने इनको बनाया, यहां तक पहुंचाया। और जहां तक एलिगेशंस की बात है, देखिए एलिगेशंस में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं पूरे बाहियात एलिगेशंस हैं, और इन एलिगेशंस का कोई कुछ है ही नहीं। आदिल खान दुरानी जब प्रेस जी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो प्रूफ दिखाते हैं ना आपको कि देखिए मेरे पास ये प्रूफ जी है, मेरे पास ये प्रूफ है। उस प्रूफ में मैं आपको लॉजिक पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आदिल खान बोलते हैं राखी के पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, राखी मुझसे पैसे मांगती है। चलो मैंने मान लिया, तो राखी ने 3 लाख रुपए उस ईरानी लड़की को कैसे दे दिया जब राखी सावंत के पास पैसे ही नहीं है। वो कहती है राजश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि मैंने 1500-1500 रुपए दिए हैं गरीब बच्चों को बांटने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि राखी सावंत जब भी जिम में स्पॉट की जाती है हमेशा गरीब बच्चों को पैसे देती है, तो क्या राखी सावंत को राजश्री पैसे देने आती है कि ये लो पैसे और बच्चों को, गरीब बच्चों को बांटो? राशि इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाती है, मैंने ये दुबई ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब आप राखी सावंत का पूरा खर्चा उठा रही हैं। इसका मतलब आप इतनी अमीर हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो फिर तो आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको कोई भी आपकी चीज साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है किसी तरह की, तो आपको आके पहले बोलना चाहिए। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो अपने नई लार्ज का प्रमोशन करती हैं, पीछे साइड में आप अपना वो लगाती हैं, पूरा होर्डिंग्स बैनर लगाती हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश करती हैं आप। और उसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा राहुल जी, कि राजश्री के साथ अगर कुछ हुआ, राजश्री ने एलिगेशन लगाया कि राखी सावंत ने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत कुछ ऐसी चीजें उनके साथ हुई, तो राजश्री तब कहाँ थी जब राजश्री के साथ ये सारी चीजें हुई, राखी ने ये सारी चीजें करी उनके साथ, तब राजश्री कहाँ थी? ये आदिल खान दुरानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए तो उनको ज्वाइन कर लिया पूरे झुंड ने, तभी तभी ये सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी, तभी फैजान अंसारी जी भी सामने आ गए, और उसके बाद में और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस चीज को ज्वाइन करने लग गए हैं। तो ये चीजें मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। और मैं भी एक्चुअली राहुल जी सामने नहीं आना चाहता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, राखी को जब मैंने रोते हुए देखा रात में 12:30 बजे, वो लड़की मुझे रोकर वॉइस नोट भेज रही है, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। मैं आपको एक बार सुनवाना और दिखाना भी चाहूंगा। प्लीज प्लीज सुनवाइए, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं यहां पर आपको एक चीज सुनवाना चाहूंगा। रात को 12:30 बजे, कल रात को कंप्लेन आईडी सब दे देना, देखिए राखी के टच में मैं कंटिन्यू हूं, और कल रात को कंप्लेन। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये इंस्टाग्राम जब राखी का हैक हुआ है, तो मैंने थोड़ा उसको पास पूछा, कीजिए। मैंने उसको पूछा है इंस्टाग्राम का क्या हुआ राखी, कुछ रिस्पॉन्स मिला? ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो प्रॉपरली, तो राखी ने मुझे यही बोला है कि रात को मैंने उसकी कंप्लेंट की है और पुलिस उस पर काम कर रही है। इसके बाद वहां जाने के बाद जो मैं आपको वॉइस नोट सुनाना चाहूंगा, मेरा उम्रा पूरा हुआ, मेरा खुदा सबको मेरे लिए खड़ा कर देगा। मैं इनोसेंट हूँ, बिना माँ बाप की बेटी, ये सब मिलके मुझे बर्बाद तबाह करना चाहते। खुदा के होते हुए मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने अभी नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ने के बाद सभी बस करती हूँ। ये वो वॉइस नोट है जो राखी राहुल का 12:00 बज के। जी ये मुझे मुझे जानना है एक बात, ये जो इंस्टाग्राम जी अकाउंट हैकिंग की बात आई है, तो आदिल कह रहा है, राजश्री कह रहे हैं कि अगर इतना ही हैक हुआ है तो बताओ, ठीक है। आदिल और राजश्री ने ये भी बोला है कि राखी ने जो है उनको जब वो बाहर गई थी तब थोड़ा पोस्ट करने के लिए दिया था, उसके बाद ही ये बात सामने आई। ये पूरा मामला क्या है, ये इंस्टाग्राम हैकिंग का क्या मामला है बताइए, और राखी सावंत से आपकी क्या बात है इस बारे में? देखिए राहुल जी, बात ये थी कि राखी को इंस्टाग्राम पर कल मैंने, सॉरी कल की बात नहीं, ये जिस दिन हैकिंग हुई है रात को सुबह के टाइम पे जब राखी सावंत वहां पर कंप्लेंट करने के लिए पहुंची है, उससे पहले राखी का इंस्टाग्राम मैंने चेक किया था,
और राखी का इंस्टाग्राम वहां शो नहीं हो रहा था, और इस चीज के लिए मैंने राखी को मैसेज भी किया था कि राखी तुम्हारा इंस्टाग्राम वहां शो नहीं हो रहा है। तो राखी ने मुझे बोला कि गिव मी सम टाइम, मैं चेक करके एक बार देखती हूँ और आपको अपडेट करती हूँ। तो वहां पर राखी ने जब उसको चेक किया तो वाकई वो इंस्टाग्राम वहां अवेलेबल नहीं था, गूगल पे नहीं था, कहीं भी नहीं था। और उसके बाद मेरी राखी से कॉल पर जो बात हुई, राखी ने मुझे वही बोला रोकर कि ये सारे लोग जो है प्री प्लान्ड करके मेरे इंस्टाग्राम को हैक करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो मैंने राखी को बोला इस पर एक पुलिस कंप्लेंट, क्योंकि राखी की एक्चुअली सुबह की फ्लाइट थी, राखी को निकलना भी था, तो रात में जी ही उस कंप्लेंट को वहां पर करने के लिए जाना पड़ा। हालांकि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर मुंबई, मैं दिल्ली में हूँ, और वहां से मैं उसके साथ जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सकता था मैंने अपनी तरफ से करने का कोशिश किया। और वहां कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट करने के बाद उस पर जो भी हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ टीम से बात करके इंस्टाग्राम को मेल्स वगैरह करवाए, जिसके बाद ये अकाउंट जो है वापस आया। उस पर भी इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बोला कि राखी का अकाउंट 8 घंटे में रिटर्न आ गया। तो वो तो तब रिटर्न आ गया ना जब हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट फाइल की, और उसके बाद में हमने इंस्टाग्राम को मेल किया। जो मेल्स हमने करे हुए हैं उसके भी एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो वो हमने टीम जी राइट राइट राइट। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि राखी सावंत और आदिल, मतलब ऑब्वियसली बात है आप उनके अच्छे दोस्त हैं, तो जब शादीशुदा थी बिल्कुल। उनकी लाइफ, उस वक्त कैसा माहौल था? मतलब आदिल और राखी के बीच में केमिस्ट्री कैसी थी? क्योंकि आदिल कहते हैं कि राखी मुझे दबाती थी, राखी कहती है कि आदिल मुझे मारता पीटता था, तो आप मतलब बेहतर बता सकते हैं कि कैसे थे एज अ हस्बैंड वाइफ, शौहर और जो है वो कैसे थे मतलब? देखिए राहुल जी, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि राखी सावंत को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ। राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सी इज वेरी नाइस पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राखी सावंत को जितना मैं जानता हूँ, मैं कभी ये नहीं मानने के लिए रेडी हो सकता हूँ कि राखी ने आदिल के साथ गलत किया होगा या किसी और के साथ गलत किया होगा। राखी कभी किसी के साथ गलत करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। और ये सब लोग, ये तो आप भी जानते होंगे, आप सब मीडिया पर्सन हैं, आप सारे लोग राखी के बारे में बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग उनको स्पॉट करते रहते हैं आए दिन। और ये जो चीजें निकल कर आ रही है ना, देखिए उसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, ये सिर्फ पब्लिसिटी एक स्टंट है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उनकी, राखी सावंत की पड़ोसी आकर मीडिया को बोल रही है कि मैं अक्सर झगड़ों को सुना करती थी, और झगड़े हुआ करते थे, और आदिल जब वॉक करने के लिए निकलते थे तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों परेशान है। तो वहां पर भी एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो आप जरा समझिएगा कि वो ये कहती है कि राखी मेरी पड़ोसी थी पर राखी को मैं नहीं जानती हूँ, मैं कभी मिली नहीं। जो लड़की आपकी पड़ोसी है और दिन में 10 बार काम के लिए निकलती है, शायद मैं कहता हूँ 10 बार नहीं निकलती लेकिन एक बार तो जिम के लिए तो निकलती होगी ना, शाम को कहीं तो जाती होगी एक बार। आप अपनी पड़ोसी से नहीं मिली लेकिन उस लड़के से आप मुलाकात आपकी कई बार हुई, जो मैसूर से आया हुआ व्यक्ति है और वो राखी के साथ रह रहा है, उसको आप जानते हो। उस वॉक के टाइम पे जब वो शाम को निकलता था तभी भी अक्सर आप उसको मिलती थी, लेकिन जो आपकी पड़ोसन है, जो आपके साथ रहती थी इतने टाइम से, उसको आप ना मिली ना उसको आप जानती है। इसमें लॉजिक आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कौन गलत है यहाँ पर, कौन सही है। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लोग निकल कर आ रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। जी, यहाँ पर एक और मैं कहना चाहता हूँ, अभी राखी इस वक्त उम्राह कर रही हैं, इतना पवित्र हाँ काम कर जी, रही हैं, मेरी और बात हुई सुबह भी लेकिन राखी से, अच्छा बात हुई, क्या कह रही थी राखी जी? मेरी बात हुई है। राखी 30 या 31 तारीख को मुंबई रिटर्न आ रही है, 30 को या 31 तारीख को, और जी राखी आकर बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है इस चीज को लेकर। सारे सवालों के जवाब मैं खुद राखी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहूंगा, और सारे सवालों के जवाब हम लोग प्रॉपर तरीके से देंगे, विद एविडेंसेस देंगे। और ये जो आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, इनके पास प्रूफ जरूर है लेकिन उन प्रूफ्स पे कोई लॉजिक नहीं है। हमारे पास जो प्रूफ्स होंगे ना, उन प्रूफ्स में लॉजिक भी होगा। और आदिल फाल दुरानी जो ये कर रहे हैं हरकतें, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये सब हरकतें बंद कर दो यार। जिस लड़की ने आपको जी यहां तक पहुंचाया, एक नाम दिया, उस लड़की की आप इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम किसी से नहीं डर रहे हो यार, अपने अल्लाह को मानते हो, कम से कम उनको तो, कम से कम उनसे डर हो यार एटलीस्ट। ये सारे लोग झुंड बना के, जी राजश्री जो ये सब चीजें कर रही है जी। राहुल जी, एक सबसे बड़ा सवाल इस पर और निकल कर आता है। आदिल कहते हैं कि राखी ने प्रॉपर रितेश के साथ शादी करी है। रिसेंटली रितेश भी एक लाइव वीडियो चैट में थे राखी सावंत के साथ, मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि हमने सिर्फ एक शूट था, उसके लिए ड्रेस रिहर्सल करी थी, वो शूट हो गया, उसके बाद हमने जो है खत्म कर दिया। और राखी भी कहती है हमारी शादी नहीं हुई। असल में क्या हुआ था, क्या बता सकते हैं दर्शकों को? क्या राखी रितेश के साथ राहुल, रहती है या शादीशुदा था? मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि शायद मैं तो जानता ही हूँ राखी को, लेकिन मेरे से बेहतर आप लोग भी राखी को जानते ही होंगे क्योंकि आए दिन आप लोग स्पॉट करते हैं। राखी जिसके साथ रिलेशन में थोड़ा रहती है सा दिल, राखी जी जिसके साथ रिलेशन में रहती है पहली चीज दिल से रहती है। राखी पहली चीज तो किसी के साथ जाती नहीं है ऐसे,
अगर किसी के साथ शादी कर रही है, दोस्ती कर रही है या कोई भी रिश्ता बना रही है किसी के साथ, तो उस रिश्ते को निभाती है वो लड़की। तो मुझे लगता है कि रितेश की जहां तक बात आ रही है, तो रितेश के साथ जो कुछ भी चीजें थी वो ऑलरेडी आदिल के साथ, जब राखी का निकाह हुआ या शादी हुई जो भी कह लीजिए, वो होने के बाद रितेश के साथ तो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, तो रितेश से तो कोई मतलब ही नहीं था। रितेश के साथ कनेक्शन कहाँ जुड़ा, वो बाद में जुड़ा जब आदिल और राखी के लंदन बीच में वाली बहुत बात सारी, है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो आदिल बोल रहे हैं ना, ये सारी बातें तो शर्लिन आके बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी, पर उसको प्रूफ भी तो करो आप, कहने से चीजें प्रूफ नहीं हो जाती ना। आप ये कह रहे हो राखी अभी भी रितेश के साथ शादी में है, राखी का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, ये सारी चीजें गलत है यार। जब राखी आपके साथ निकाह करके बैठी थी, शादी करके बैठी थी, तभी रितेश के साथ सारी चीजें खत्म हो गई थी। और रितेश के साथ तो वैसे भी इतने एलिगेशंस पहले भी लगे हैं रितेश के ऊपर, रितेश बहुत जल्दी बॉम्बे आने वाले हैं और उसको वो भी क्लियर करेंगे। शायद आपने देखा उन्होंने ये भी बोला कि वो शायद इंडिया आएंगे जल्दी और उसको क्लियर करेंगे। तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना आसान होता है, पर उन एलिगेशंस को प्रूफ करना उतना ही मुश्किल होता है। तो पहले आप प्रूफ करिए चीजों को, फिर उसके बाद आप ये चीजें दिखा देते हैं पुरानी वीडियो उठा के, ये देखिए ये कर दिया राखी ने, वो कर दिया राखी ने। राखी ने कुछ नहीं कर दिया, जो कर दिया वो आदिल खान दुर्रानी ने किया है, जो कर रही है शर्लिन चोपड़ा कर रही है, गंदी राजनीति, मीडिया में पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रही है, वहां बैठकर झुंड बना के राशरी के साथ बैठ रही है। मैंने आपको सिंपली बोला राशरी इतने टाइम से रह रही है राखी सावंत के साथ, अर्चना गौतम के साथ भी मैंने उन्हें देखा, वो अपना नेल्स आर्ट स्टूडियो चलाती है, बहुत अच्छी बात है आप अपना नेल्स आर्ट स्टूडियो चलाते हैं, चलाइए, सक्सेसफुल होइए, आगे बढ़िए। लेकिन राखी सावंत जो लड़की है ना, वो लड़की किसी को सीढ़ी बनाकर यहाँ तक नहीं पहुंची है, वो अपना मेहनत करके अपने दम पर स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री में उसने अपनी जगह खुद बनाई है। और राजश्री, आदिल खान, दुरानी क्या कर रहे हैं, राखी को सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं और पहुंचे हैं, वो सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मैं बिल्कुल खुलकर बोल देना चाहता हूँ, इसमें मैं किसी से डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करेंगे और मैं गारंटीड बता रहा हूँ, बिग बॉस अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ शायद, या 20 तारीख से कुछ स्टार्ट हो रहा है जहां तक मुझे बेकर से पता चला है। तो ये बिग बॉस के लिए अभी ये 15 और 20 दिन अभी और इस तरीके की स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेंगे और प्री प्लान करके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करेंगे, क्योंकि बिग बॉस के लिए सारी चीजें हो रही है। जितने लोग कूद रहे हैं ना राखी को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ बिग बॉस के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखिएगा जिस दिन बिग बॉस फाइनल हो जाएगा ना, कंटेस्टेंट्स फाइनल हो जाएंगे ना, उस दिन ये इनमें से एक भी व्यक्ति दिखाई देगा, ये सारे गायब हो जाएंगे। तो राखी की रेपुटेशन खराब करने से, यार राखी ब्रांड है यार, कब तक करोगे रेपुटेशन खराब उसके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, किसने आपको बनाया, क्या आप उसको गिरा सकते हो भाई? जिसने आपको बना दिया आप उसको तो नहीं गिरा सकते ना, तो आप उसके बारे में सिर्फ बदनामी कर सकते हो। चीजें आप खुद सोचिए राहुल जी, ये लोग मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एलिगेशन जो है राखी सावंत पर लगाते हैं, बोलते हैं जैसे मैंने अभी आपको वही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये बोलते हैं कि राखी के पास पैसे ही नहीं है, वो लड़की के पास पैसे नहीं है तो दुबई कहाँ से जा रही है, उमरा कहाँ से जा रही है, और अपने बाकी एक्सपेंस कैसे कर रही है, 10 चीजें हैं। ईरानी लड़की को 3 लाख दे दिए, वो आदिल खान दुरानी ने आके दिए थे या शर्लिन चोपड़ा ने आके दिए थे या राशि ने आके दिए थे, वो राखी ने, अगर आप कह रहे हो कि राखी ने दिए तो इसका मतलब आप मान लीजिए, तो राखी के पास पैसे हैं या नहीं है, आप अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं। सबसे पहली चीज, राखी इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती, राखी राइट इतनी राइट गिरी राहुल जी, माफी चाहूंगा, एक बात, एक दिमाग में पॉइंट आया है। राशि ने यह भी क्लेम किया है कि जब उनकी माताजी डेथ बेड पे थी, तो राखी ने उसको प्रॉपर तरीके से इनकैश किया, उस पब्लिसिटी को बटोरा और उससे वीडियोस बनवाई, ये वो माँ के सामने वीडियोस बनवाती थी, ऐसा वैसा करके उस अब यहाँ तरह पर से। एक चीज, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये मैं, बहुत बहुत क्रिटिकल बात है, जो कि हमको भी सुनकर अजीब सा हो गया कि यार ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे आपसे जानना है कि इसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, राखी, आदिल खान दुरानी ने एलिगेशन लगाए हैं कि जब राखी सावंत की माँ का देहांत हुआ था हॉस्पिटल में, तो राखी सावंत चिकन चिल्ली खा रही थी, है ना? तो राखी, एक बात बताइए यार, जिसकी माँ का निधन हो गया है हॉस्पिटल में, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, वो लड़की बैठकर चिकन चिल्ली खाएगी? भारत की मैं कहता हूँ ऐसी कोई भी बुरी से बुरी लड़की ऐसी नहीं हो सकती है जो जिसकी माँ का निधन हो जाए और वो चिकन चिल्ली बैठकर खाए। मैं खुद राखी के टच में रहा हूँ, हालांकि मैं कभी सामने नहीं आया, वो अलग बात है, लेकिन राखी की जब माँ का निधन हुआ है ना, तब आदिल खान दुरानी कहाँ थे, जरा उनसे ये सवाल किया जाए, वो क्या कर रहे थे, जरा उनसे ये सवाल किया जाए। अपने बारे में नहीं बताने पहुंचेंगे वो मीडिया में, ना मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि मैं उस वक्त जब राखी की माँ का निधन हुआ था कहाँ था। राखी ने आदिल को कॉल किया था कि माँ मर गई है, आपको तो पता होगा, आप लोगों के सामने की बात है। और उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल पहुंची, तो आदिल कितना देर बाद वहां पहुंचे थे, और ये सारे एलिगेशंस लगाने से मुझे नहीं लगता कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या इसमें कुछ है भी आपका कुछ।
ये सब नॉनसेंस वाली बातें हैं और सब बाहियात बातें हैं, इनमें कोई सेंस नहीं है। जी जी और दूसरी बात आप कुछ राहुल कह रहे थे राहुल जी शायद। जी, मैं यही कहता, राजश्री ने भी यही बात बोली है कि माता जी की वीडियोस बनवाती थी और जो है उसकी माता जी बीमार थी और ऐसे पब्लिसिटी बटोरती थी उसको मैं दिखा एक दे क्या बात मेरी पूछना माँ चाहता हूँ बीमार है। आपसे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, राखी सावंत है, राखी सावंत अपनी माँ के साथ अगर वीडियो बनाएगी तो उसको क्या पब्लिसिटी मिल जाएगी? राखी सावंत सलमान भाई के साथ वीडियो बना रही है तब तो चलो लगता है कि हाँ पब्लिसिटी मिल सकती है, या तमाम और किसी स्टार के साथ वीडियो बना रही है तो पब्लिसिटी मिल सकती है, लेकिन अपनी माँ के साथ क्या पब्लिसिटी वो लेगी ये बताइए। उसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और वो वीडियो बना के अपनी माँ के प्रति प्यार जो है वो जाहिर कर रही है और अपनी पोस्ट कर रही है ताकि वो यादें जिंदगी भर उसको उसके सामने रह सके और उनको वो देखकर उस चीज को याद कर सके। तो वो चीज अगर वो कर रही है तो उसमें क्या गलत कर रही है? आप तो मतलब इतने गिर चुके हो कि शो में जाने के लिए तो सारी चीजें कर ही रहे हो, प्लस उसकी माँ को भी नहीं छोड़ रहे हो आप। कम से कम जो जी इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको तो एटलीस्ट छोड़ दो यार। उसकी माँ मर गई और आप कह रहे हो चिकन चिल्ली खा रही थी वो हॉस्पिटल में, अगर वो राहुल अपने माँ के साथ वीडियो बना रही है तो आप उसको पब्लिसिटी कह रहे हो, और आप जो शो में जाने के लिए इतनी गंदी राजनीति कर रहे हो वो क्या है? उसको पब्लिसिटी नहीं कहेंगे? आप प्रूफ दिखा रहे हो उनमें कोई लॉजिक नहीं है, वो पब्लिसिटी नहीं है क्या? आप बताइए जी। राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं। अब जब आप मुंबई आएंगे, ऑब्वियसली बात है, आप राखी जी से तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन जब बिल्कुल आप आदिल आदिल राशि और अगर इसे सलीम से मिलते हैं तो क्या कहेंगे उससे? देखिए, शर्लिन से मेरी बात हुई है, व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई है शर्लिन के साथ, और मैंने अच्छा शर्लिन को यही बोला है, मेरे पास चैट्स भी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शर्लिन को मैंने जी, यही बोला है कि आप जो राखी पर एलिगेशंस लगा रही हैं वो बिल्कुल बाहियात और गलत है। मुझे लगता है आप भी एक महिला हैं और एक महिला के ऊपर गलत एलिगेशन लगाना बिल्कुल सही नहीं है, ये सारी चीजें मत करिए, बंद कर दीजिए। तो शर्लिन मुझे बोलती है कि योर चैट इज ट्रांसफर टू मुंबई पुलिस। तो मैंने कहा डेफिनेटली आप जाइए मुंबई पुलिस में उसको चैट को, मैंने ऐसे चैट चैट में मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने आपको कुछ गलत बोला हो या मैंने आपके साथ कुछ अपशब्द कहे हो। तो मेरा ये था कि शर्लिन को समझाना, शर्लिन शायद उस चीज को नहीं समझ रही है क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, और अगर वो नहीं समझेंगी तो अभी शर्लिन के ऊपर हम लोग अभी लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, और शायद उनको आने वाले टाइम में आगे समझ में आ जाएगा कि वो गलत कर रही है जो भी कर रही है। डेफिनेटली राहुल जी चैट दिखा सकते हैं आप कि क्या मैं आपने आपको वही मतलब चैट्स मैं सेंड आपको कर वही दी? चैट्स जी, और आदिल से और राशि से मिलेंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? आदिल से मैं मिला हूँ। आदिल से मेरी मुलाकात 2 बार हुई है, एक बार मेरी मुलाकात तब हुई थी जब होटल सारा स्टार में नहीं, एक उसके इवेंट अभी हुआ था। अभी 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 मतलब आप जब मुंबई आएंगे वापस तब, अभी क्योंकि बिल्कुल तब देखिए, तक तो कंट्रोल चेंज मैं कर लीजिएगा, एक अब तो ऑलरेडी बहुत बन चुकी है। सबसे पहली चीज मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल मिलना नहीं चाहूंगा जो इंसान बाहियात है, इस तरीके की बातें जो है वो एलिगेशंस राखी के ऊपर लगा रहा है। बाई चांस अगर मेरी आदिल से मुलाकात भी होती है तो मैं आदिल को बस यही बोलना चाहूंगा कि इतनी गंदी राजनीति को छोड़ दें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, बस बिग बॉस में जाना है और तमाम रियलिटी शोज में जाना है, कुछ फिल्में करनी है तो अपनी मेहनत पे करो। जैसे राखी ने अपने आप को यहाँ तक बनाया, स्टेब्लिश करके, इतना मेहनत करके, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है, आप भी मेहनत करो, स्ट्रगल करो, उसके बाद यहाँ तक पहुंचो। एक लड़की की रेपुटेशन और नाम खराब करने से कुछ नहीं मिलने वाला, और डेफिनेटली अगर आदिल से मिलूंगा तो मेरी लड़ाई भी आदिल के साथ होने वाली है बहुत अच्छे से। जी ये मैं आपको चैट्स दिखाना चाहूंगा, शर्लिन चोपड़ा, ये जी हमारे चैट्स हुए थे थर्सडे को, आप देखिए ये अच्छा, थोड़ा सा पास से था। आइए। अच्छा ओके आप पढ़ जी सकते हैं यहाँ पर चैट्स में मैंने उनको समझाने की कोशिश करी है शर्लिन को, और उनको मैंने यही जी समझाया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपको नहीं करनी चाहिए। बट उनका जो रिएक्शन आया ना, उनको लग रहा था कि ये राखी के सपोर्ट में अब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे वही बोला कि योर चैट्स ट्रांसफर टू मुंबई पुलिस। मैंने कहा डेफिनेटली आप जाइए मुंबई पुलिस में, मैं भी मुंबई पुलिस से आके बात करूंगा, मैं भी आके अपनी चीजों को सामने रखूंगा, बट ये जो राखी के ऊपर आप कर रहे हो बस मेरी एक लिमिटेशन थी। मैं आपको रियली बताऊं, अभी तक अगर मैं मीडिया के सामने नहीं था तो सिर्फ इस वजह से नहीं था क्योंकि राखी ने मुझे रोका हुआ था। राखी ने कहा था कि कोई बात नहीं, और मुझे भी लगता था कि राखी बहुत स्ट्रांग है, कर लेगी, मैंने सारी चीजें खुद हो जाएंगी, लेकिन अभी जो रात में 12:30 बजे जिस तरीके का राखी का रिएक्शन आया ना, तो मुझे लगता था कि अब बस हो गया, लिमिटेशन क्रॉस हो गई और अब मुझे सामने आना चाहिए और राखी के सपोर्ट में बोलना चाहिए। जी थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए।
और राखी जी को इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, आप मुंबई आएंगे हम पर्सनली मुलाकात करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।